हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, ये वाली वीडियो थोड़ी अलग से है। आज हम आपको बताएंगे जो टैप में लगने वाला स्पिंडल होता है, जो कार्ट्रिज होती है, उसके पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे इसको खोल सकते हैं आप, पूरा सही कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, मेरे पास ये आधी का स्पिंडल है, आधी की कार्ट्रिज है जो नॉर्मली बिप टैप में यूज़ होती है। तो गाइस, सबसे पहले इसके जो आगे आगे जो कलर वाला ये वॉशर लगा होता है, वो वाला हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसका ना लॉक निकालना है, यहाँ से ये वाला जो लॉक है ये निकालना है। नॉर्मली जो कार्ट्रिज लीक होती है, उसके दो रीज़न होते हैं। या तो कार्ट्रिज काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ हो रही हो, जैसे 5-6 साल हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो सिरामिक की डिस्क होती हैं, दो इसके अंदर वाइट कलर की सिरामिक की डिस्क होती हैं, वो वाली घिस जाती हैं तो लीकेज होती है। और दूसरा जो ये ऑपरेट होता है, जिसे हम लेफ्ट राइट करते हैं, उसके अंदर ये देखिए, ये गाइस ये रही हमारी सिरामिक की डिस्क, ये रेगुलर यूज़ के बाद ना घिस जाती हैं, तो ये पतली हो जाती हैं। और सेकंड, इसके अंदर दो ओरिंग लगे होते हैं, ये जो इसकी लीवर होता है ना, ये जो ये देखिए, ये जो लीवर है, इसके अंदर दो ओरिंग लगे हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये दो ओरिंग लगे हुए हैं। ये भी लॉन्ग रन में जब ये पतले हो जाते हैं, तो हैंडल के पास से पानी आना शुरू हो जाता है। मेन जो कार्ट्रिज के अंदर, बाकी तो सारा मेटल का पार्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इनमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जहाँ से पानी लीक होता है। एक तो जब डिस्क होती हैं, जो सिरामिक के जो नीचे पार्ट गिरे हुए हैं, जो आप देख रहे हो वाइट कलर के, ये घिस जाते हैं। सेकेंड, जब ये ओरिंग जो है डाउन हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये वो दिख रही है ना ब्लू कलर की वॉशर नीचे, उसके नीचे एक छोटा सा कोई रबड़ की वॉशर डाल देते हैं, तो उसकी जो गैप होता है दोनों सिरामिक की डिस्क के अंदर, वो ख़त्म हो जाता है, वो दब जाती हैं। तो वो और आप 1 या 2 साल उसको यूज़ कर सकते हो। और ये वाले ओरिंग आप चेंज कर सकते हो, ये मार्केट से मिल जाते हैं। आपको थोड़े मोटे साइज़ के डालने हैं, तो फिर भी ये लीकेज रुक जाती है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ये सिरामिक डिस्क है। आप ध्यान से देखिएगा, इसको बाद में आप रीअसेंबल कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आगे दिखाया हुआ है कि कौन कौन सा पार्ट है जो कैसे कैसे आप सिस्टम वाइज, मतलब सिमेट्री वाइज कैसे कैसे आना है। ये देखिए गाइस, अब आप इसको हम आपको रीअसेंबल करना बताएंगे कैसे करते हैं। ये जो सिरेमिक कार्ट्रिज है, वो रीसेट करके डालनी है, स्लॉट वाली नीचे डालनी है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की वॉशर है, इसको डालना है। जब भी कार्ट्रिज डाउन हो जाती हैं, जो अंदर जो सिरेमिक की जो अंदर दो पार्ट है सिरेमिक के वाइट कलर के, अगर वो डाउन हो जाएं, तो आप थोड़ी रबड़ की वॉशर, इस जो ब्लू वाली वॉशर है, कहीं हमें ऑरेंज वॉशर होती है, उसके नीचे एक छोटी सी रबड़ रख के इसकी हाइट बढ़ा के थोड़ा इसको टाइट करके डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।